सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर मोशन, तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। स्पीड निकालना सीख चुके हैं, वेलोसिटी निकालना सीख चुके हैं और एक्सेलरेशन निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। और लास्ट वीडियो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे और उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो देखिए स्पीड, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन, तीनों को निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला था। उस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग इस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर स्पीड निकालते थे, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ग्राफ के हेल्प से कैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं। इसका कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बस हम लोग ग्राफ देखेंगे और ग्राफ के हेल्प से हम लोग ये सब चीज निकालेंगे। तो कैसे निकलता है और क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो आज का हमारा वीडियो टॉपिक क्या होने वाला है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो बस वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी मजा आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी किसी भी मोशन बॉडी को या फिर कोई बॉडी जो मोशन में है उसको हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। और ग्राफ के हेल्प से हम लोग कैसे वेलोसिटी या फिर स्पीड बोलिए, एक्सेलरेशन या फिर डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग ग्राफ। तो देखिए कुछ कुछ पॉइंट आपको पहले से पता होना चाहिए ग्राफ को स्टडी करने से पहले। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी यूज्ड इन सेम सेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम लोग वेलोसिटी और स्पीड को अलग अलग पढ़ चुके हैं, दोनों में डिफरेंस भी है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंस है। लेकिन जब हम लोग ग्राफ में आते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों को हम लोग एक जैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है ग्राफ में। तो हम जब भी ग्राफ देखेंगे तो स्पीड जहां पे भी यूज करेंगे समझिएगा वो मेरा वेलोसिटी भी होगा, ठीक है। तो जहां जहां पे स्पीड यूज करेंगे वहां वहां पे मेरा वेलोसिटी भी होगा, क्योंकि ग्राफ में लोग दोनों को सेम सेंस में यूज करना है। ये था मेरा पहला पॉइंट। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, टाइम को हमको हमेशा एक्स एक्सिस में रखना है, टाइम को रखना है एक्स एक्सिस में और डिस्टेंस को रखना है वाई एक्सिस में और स्पीड को रखना है वाई एक्सिस में। देखिए अभी हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्राफ हमेशा कुछ इस तरीके से बनता है, ये होता है मेरा एक्स एक्सिस, ये होता है मेरा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम को रखना है, ठीक है, और वाई एक्सिस में हमको स्पीड या फिर डिस्टेंस को रखना है, लेकिन टाइम मेरा हमेशा एक्स एक्सिस में होगा। बात समझ में आ रहा है, ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए था ग्राफ को स्टडी करने से पहले। तो ये दोनों आप लोग पता चल चुका है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में, ठीक है। अब देखिए हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ना है तो आपको दो तरीके के ग्राफ को स्टडी करना है। पहला किसके बारे में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखना है और सेकेंड स्पीड टाइम ग्राफ। ये बस दो टाइप का आपको ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमको दो केस पढ़ना है। पहला, अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में रहेगा, पहले ओवरव्यू देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम ग्राफ देखते हैं। पहला क्या देखेंगे, पहला अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा और सेकेंड जब मेरा बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा, ठीक है। ये दो केस का हमको ग्राफ देखना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। और स्पीड टाइम ग्राफ में क्या देखना है, इसमें हमको तीन केस देखना है। पहला केस क्या रहेगा, जब स्पीड ऑफ अ बॉडी रिमेन कॉन्स्टेंट। पहला ग्राफ कौन सा देखेंगे, जब कोई भी बॉडी का स्पीड मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि स्पीड मेरा चेंजेस नहीं हो रहा है, तो उस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे। सेकेंड क्या देखेंगे, सेकेंड में देखेंगे कि स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। जब सेकेंड क्या देखेंगे, जब किसी भी बॉडी का स्पीड यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज होगा। अब यूनिफॉर्म रेट क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि कौन कौन सा ग्राफ देखना है। तो इसमें आपको तीन तरीके का देखना है। पहला क्या देखना है, किसी भी बॉडी का स्पीड मेरा कॉन्स्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। और सेकेंड क्या देखना है, स्पीड चेंज होगा बट एक यूनिफॉर्म रेट के साथ। और थर्ड का क्या देखना है, थर्ड टाइप का ग्राफ क्या है, स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट।
समझ में आ गया। टोटल आपको पांच तरीके का ग्राफ देखना है, दो तरीके को ओवरऑल देखेंगे तो दो तरीके का ग्राफ है, एक पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा मेरा स्पीड टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हमको दो केस पढ़ना है, जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में रहेगा तो, और जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में रहेगा तो। स्पीड टाइम ग्राफ में जब बॉडी का स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगा, जब बॉडी का स्पीड चेंज होगा यूनिफॉर्म रेट के साथ, और जब बॉडी का स्पीड चेंज होगा नॉन यूनिफॉर्म रेट के साथ। तो इतना टाइप का आपको ग्राफ देखना, बहुत इजी है, बहुत बेसिक चीज है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो बस हम लोग वीडियो में बने रहेगा और मेरे साथ इसको नोट डाउन करते रहेगा, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहले हमको देखना है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, कि जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए, अगर कभी भी कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट स्पीड भी बोलते हैं, कि अगर कोई बॉडी का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो अगर कोई भी बॉडी कॉन्स्टेंट स्पीड बोले या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, इसको देखिएगा। ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा जेड एक्सिस, ठीक है, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम क्या बोले थे, एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम करना है, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में मेरा हो जाएगा टाइम और वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यहाँ टाइम रखना है और यहाँ डिस्टेंस रखना है वाई एक्सिस में। अब अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, पूरा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये जो मेरा कर्व लाइन है, ये मेरा क्या दिखाता है, यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही बोले हैं स्पीड और वेलोसिटी को सेम सेंस में यूज करना है, ठीक है। तो ये हुआ मेरा ग्राफ किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अब समझिए, ये तो मेरा ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म स्पीड का, ठीक है। तो इसके हेल्प से, इस ग्राफ के हेल्प से हम लोग स्पीड कैसे निकालेंगे, बात तो आता ना, ग्राफ तो ड्रॉ कर लिए बट स्पीड कैसे निकालेंगे। देखिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए। अब देखिए, ये ग्राफ को जरा ध्यान से देखिएगा, सपोज कीजिए कि हमको इस पॉइंट तक डिस्टेंस, सॉरी स्पीड निकालना है, ठीक है। ये जो लाइन है मेरा, ये जो कर्व लाइन है, इसका नाम देते हैं ओ, इसका नाम देते हैं ए, ठीक है, इसका नाम क्या देते हैं, ए देते हैं। तो ओ ए जो मेरा कर्व है वो मेरा क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका स्पीड कितना होगा, कैसे निकालेंगे, देखिए सपोज कीजिए हमको स्पीड निकालना है, तो क्या करेंगे, इस कर्व से हमको परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर देना है और इस पॉइंट से हमको परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस में भी ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब देखिए, इस जहां ये पॉइंट टच किया इसका नाम देते हैं हम लोग बी, और ये जो टच किया इसका नाम देते हैं सी। अब देखिएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या है मेरा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, स्पीड निकालना हमको तो डिस्टेंस पता होना चाहिए, टाइम भी पता होना चाहिए। अब ये जो मेरा ए बी है, ये मेरा जो y एक्सिस है किसका है, डिस्टेंस का है, और x एक्सिस किसका है, मेरा टाइम का है। जब ध्यान से सुनेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ए बी जो मेरा है, a से लेके b तक, ये मेरा क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस का। अब कैसे दिखा रहा है, जब ध्यान से देखिएगा, ये जो मेरा ए बी है, ये ए बी उतना ही ना मेरा ओ सी के इक्वल होगा, जितना ए बी है उतना ही मेरा ओ सी होगा, है ना। तो ओ सी मेरा क्या है, डिस्टेंस दिखा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए बी मेरा क्या है, डिस्टेंस है। और ये जो मेरा O से लेके B तक है, ये मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया, क्योंकि ये मेरा टाइम का ग्राफ है, सॉरी टाइम का एक्सिस है। तो O से लेके B मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया। तो स्पीड कैसे निकलेगा मेरा, ए बी बाई ओ बी, समझ में आया। तो किसी भी पॉइंट पे हमको डिस्टेंस निकालना है तो बस सिंपल हमको वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है, और यहां भी कैसे कर देना है, ये जितना लेंथ होगा, मतलब ये जो होगा डिस्टेंस हो गया, ये जो मेरा हो गया टाइम हो गया, दोनों का आपस में डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। अच्छा, ये तो स्पीड कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया स्पीड कैसे निकलेगा। तो अब देखिए, अगर आप लोगों को ग्राफ के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, तो ये जो मेरा ए बी बाई ओ बी हो रहा है, ए बी बाई ओ बी, ये मेरा क्या है, स्लोप है किसका, ओ ए का, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन ओ ए, समझ में आया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक और पॉइंट क्या बन सकता है,
ए बी बाई ओ भी मेरा स्पीड दे रहा है, ए बी बाई ओ भी मेरा क्या दे रहा है, स्पीड दे रहा है, और ए बी बाई ओ भी क्या है मेरा स्लोप ऑफ ओ ए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन गिव्स स्पीड, ये बोल सकते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन गिव्स स्पीड, क्यों, क्योंकि देखिए स्पीड कैसे निकलेगा ए बी बाई ओ भी करेंगे और ए बी बाई ओ भी मेरा स्लोप है और ए बी बाई ओ भी क्या दे रहा है मेरा स्पीड भी दे रहा है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या दे रहा है आपको स्पीड दे रहा है, ठीक है, तो स्पीड निकालना है तो ए बी बाई ओ भी करेंगे निकल जाएगा, तो ये होता है मेरा यूनिफॉर्म स्पीड का। अब देखते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। अब देखिए सेकेंड टाइप का जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइप ग्राफ में वो है मेरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो उसका ग्राफ कैसे बनता है इसको देखिएगा, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम देंगे टाइम, यहाँ पर हम देंगे डिस्टेंस, ठीक है, तो देखिए उसका ग्राफ कैसे बनता है कुछ इस तरीका से, इसको हम लोग पाराबोला शेप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पाराबोला सेम भी बोलते हैं, ये जो मेरा कर्व लाइन है ये मेरा क्या दिखाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, तो ये हो गया मेरा ग्राफ किसका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। तो देखिए डिस्टेंस टाइप ग्राफ पे हम लोग दो तरीका का ग्राफ देखे, एक यूनिफॉर्म स्पीड का और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। सिंपल है, अगर डिस्टेंस टाइप ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन रहा तो ये मेरा किसका हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड का, अगर ये मेरा कर्व लाइन रहा तो किसका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन भी नहीं पूछता, बस आपके नॉलेज के लिए बता रहे थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बस दो तरह का ग्राफ पढ़ना है, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा तो वो मेरा यूनिफॉर्म स्पीड का होगा और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का रहेगा तो वो मेरा कर्व लाइन रहेगा, ठीक है, दोनों पॉइंट मेरा वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन देन इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म, क्या हो गया अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन रहता है तो वो मेरा क्या होगा यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ठीक है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो कर्व होता है तो इसका मतलब क्या हुआ उसका मोशन कैसा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिए, अब टाइम आ गया है स्पीड टाइम ग्राफ देखने का, तो आपको पहले बता चुके हैं स्पीड टाइम ग्राफ पे टोटल आपको तीन तरह का ग्राफ देखना है, तो पहला केस मेरा क्या है उसमें से जब बॉडी का स्पीड क्या होगा कांस्टेंट होगा, देखिए अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम जितना भी बढ़ रहा बट स्पीड चेंज नहीं होगा, सपोज कि यहाँ टाइम का लिखता है यहाँ पे स्पीड का लिखता है और टाइम मेरा 2 सेकेंड में बॉडी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है तो 4 सेकेंड में भी 10 ही होगा, 6 सेकेंड में भी 10 ही होगा, 8 सेकेंड में भी 10 ही होगा, क्यों, क्योंकि बॉडी का जो स्पीड है मेरा वो मेरा कांस्टेंट है, बात समझ में आ रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम मेरा बढ़ रहा बट स्पीड मेरा चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ये मेरा एक्स एक्सिस क्या है हमेशा मेरा एक्स एक्सिस में टाइम रहेगा, याद रखिएगा एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम को रखना है, ठीक है, अब बाकी जो बचा वाई एक्सिस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा तो वाई एक्सिस में डिस्टेंस को रखना है और अगर स्पीड टाइम ग्राफ रहेगा तो वाई एक्सिस में स्पीड को रखना है, हम लोग स्पीड रख देते हैं। अब देखिए टाइम मेरा बढ़ रहा है लेकिन स्पीड मेरा क्या इंक्रीज हो रहा है, नहीं, वो मेरा हमेशा कांस्टेंट है, यानी कि इस टाइम पे भी स्पीड मेरा इतना ही है, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई मेरा स्पीड है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी मेरा स्पीड इतना ही है, इस पॉइंट पे भी स्पीड इतना ही है, इस पॉइंट पे भी स्पीड इतना ही है, तो ग्राफ से कितना कैसे बन जाएगा ऐसे बन जाएगा, है ना, सपोज कीजिए अगर नंबरिंग से समझा दे, सपोज यहाँ पे स्पीड मेरा 10 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ 10 का है, यहाँ 15 का है, ठीक है, समझिएगा ये 5 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड है, यहाँ मेरा 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, 6 सेकंड है, 8 सेकंड है, देखिए 2 सेकंड टाइम मेरी स्पीड मेरा कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड में कितना है 10 मीटर पर सेकंड, इसको भी रेस कर देते तब समझ आया ग्राफ ऐसा क्यों बना, 2 सेकंड जब टाइम था स्पीड कितना था 10 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड, 8 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड, इसको ज्वाइन कराते हैं तो मेरा ग्राफ ऐसे बन जाता है, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा इसका, कुछ इस तरीके से बनेगा, समझ में आ रहा आप लोगों, ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, कैसे बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये जो मेरा ग्राफ लाइन है
ये मेरा क्या दिखा रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है, ये ग्राफ मेरा क्या शो कर रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड। अब देखिए ये जो मेरा स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है क्या केस लिए, जब बॉडी मेरा कॉन्स्टेंट, जब इसका स्पीड मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो देखिए ऐसा केस में हम लोग एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकालना पॉसिबल ही नहीं है। अब पूछिएगा क्यों, क्योंकि हमेशा यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना होता है, जीरो होता है। अब जीरो क्यों होता है इसको भी जरा समझिएगा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। अब देखिए हम पहले ही बोलते थे कि स्पीड और वेलोसिटी को सेम सेंस में यूज करना है, दोनों को इक्वल मानना है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी लिखा हुआ मतलब चेंज इन स्पीड मान सकते हैं, अभी के लिए सिर्फ ग्राफ के लिए याद रखें, सिर्फ ग्राफ के लिए, हमेशा में सिर्फ ग्राफ के लिए। तो देखिए स्पीड तो मेरा कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे भी टेन है, यहाँ पे भी टेन है, यहाँ पे भी टेन है, हर एक पॉइंट पे स्पीड मेरा कितना है, टेन टेन है। तो एक्सीलरेशन निकालेंगे क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि टेन माइनस टेन जीरो ही हो जाएगा, यहाँ पे भी टेन माइनस टेन जीरो ही हो जाएगा, यानी कि हर एक पॉइंट पे एक्सीलरेशन मेरा जीरो आएगा। तो इसलिए ऐसा ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ में जब भी स्ट्रेट लाइन रहेगा तो वहां पे वो एक्सीलरेशन निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सीलरेशन तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग डिस्टेंस निकालने के लिए पूछ सकता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस टाइम पे। सपोज कीजिए मेरा 5 सेकंड है, ठीक है, 5 में मतलब मान लेते कोई पॉइंट ए है, तो ए सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, बॉडी तो मूव कर रहा है, स्पीड चेंज हो रहा मतलब क्या हुआ, अगर आपका 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपका गाड़ी चल रहा है, इसका मतलब जो डेफिनेटली आपका गाड़ी मूव कर रहा है बट स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना कुछ ना कुछ टाइम के बाद। तो वही पूछ देगा कि ए टाइम के बाद आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या हो गया, समझिएगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, देखिए बहुत बेसिक से चल रहे हैं, हड़बड़ा नहीं रहे, बहुत धीरे धीरे चल रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ज़्यादा ध्यान से सुनेगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, स्पीड को एस लिखे हैं, टी मेरा टाइम है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, एस मल्टीप्लाई बाय टी। अब देखिए अगर हमको ए पॉइंट तक, ए टाइम तक हमको क्या निकालना है, स्पीड निकाल, सॉरी डिस्टेंस निकालना है, तो क्या आ जाएगा, स्पीड एट ए मेरा कितना है, स्पीड एट ए तक मेरा स्पीड कितना, यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, कितना हो गया मेरा, ये सपोज कीजिए मेरा इनिशियली मेरा यहाँ पे स्पीड है, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं सी, तो एसी मेरा जितना होता ही मेरा ओबी होगा। ध्यान से देखिएगा, एसी मेरा जितना होता ही मेरा ओबी होगा, और ओबी मेरा क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है, तो स्पीड एड ए कितना है, एसी। ठीक है, ये जो मेरा एसी है उतना ही मेरा स्पीड है ए टाइम तक, और टाइम कितना लिया हम लोग, टाइम तो मेरा ए है, सॉरी ओ ए क्या है, ओ से लेके ए तक मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया। तो एसी मेरा स्पीड हो गया ए टाइम तक, और ओ ए मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया। तो डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, एसी मल्टीप्लाई बाय ओ ए। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, तो ओ बी सी ए मेरा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल का एरिया का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि एसी मल्टीप्लाई बाय ओए जो किया है मेरा क्या हो गया, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम क्या दे देंगे हम लोग, ओ बी सी ए, यानी कि ओ बी सी ए जो मेरा रेक्टेंगल बन रहा है उसका जितना भी एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल होगा। इसको आप लोगों को याद रखना हमेशा कि स्पीड टाइम ग्राफ में क्या बोल रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया इंक्लोज बाय स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल। इसे कहीं पे लिख लेते हैं, कहां पे लिखे, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ, इन अ स्पीड टाइम ग्राफ एरिया इंक्लोज बाय, एरिया इंक्लोज बाय स्पीड टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल
बाई अ बॉडी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार मार्क करके कुछ भी करके इसको लिख लीजिए कि स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम और ये मेरा कर्व है, इसके बीच में जो भी मेरा एरिया बनेगा या फिर जो भी एरिया इंक्लोज होगा वो एरिया मेरा किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल होता है। ठीक है, समझ आ गया। तो यहां पर रेक्टेंगल बन रहा था तो OA मल्टीप्लाई बाय AC करेंगे, मेरा AC है। ठीक है, AC करेंगे क्या निकल जाएगा मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और वो किसके इक्वल होगा मेरा डिस्टेंस के इक्वल होगा। समझ आ गया। इसने आपको एक्सप्रेशन निकालने नहीं पूछेगा बट डिस्टेंस निकालने के लिए पूछ सकता है। तो डिस्टेंस कैसे निकालना है, बस उस जो फिगर जो बन रहा है उसका एरिया निकाल दीजिएगा, चाहे वो रेक्टेंगल ही बन सकता है, कभी कभी रेक्टेंगल ही बन सकता है, कोई भी शेप का बन सकता है। ठीक है, तो उस शेप का एरिया हमको निकालना है वो मेरा डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग सेकेंड केस देखने वाले हैं कि जब बॉडी का स्पीड मेरा यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज होगा, तो उसका ग्राफ समझने से पहले इसका मतलब बहुत बच्चा को पता नहीं होता है यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड तो पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म एक्सलेशन देख चुके हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख चुके हैं, लेकिन यूनिफॉर्म रेट बहुत बच्चा को कंफ्यूजिंग करता है। तो बस दो मिनट में आपका ये कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। देखिए कैसे, सपोज कीजिए मेरा स्पीड है और यहाँ पे मेरा टाइम। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या हुआ, इक्वल स्पीड चेंज होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लिख लेते हैं इक्वल स्पीड चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको जब ध्यान समझेगा, ये शायद आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अभी कुछ समझाएंगे उसके बाद ये लाइन आपको प्यार हो जाएगा, लाइन से आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है, समझिए कैसे। देखिए जब टाइम मेरा 2 सेकेंड था तो बॉडी का स्पीड मान लेते कि 10 का था, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब टाइम मेरा 4 सेकेंड का हुआ तो स्पीड इसका बड़े का हो गया 20 का, जब टाइम 6 का हो गया तो इसका स्पीड हो गया 30 का, जब टाइम 8 सेकेंड हो गया तो इसका स्पीड हो गया 40 का। बात समझ में आया, जो केस बताया 2 सेकेंड में स्पीड 10 का था, 4 सेकेंड में 20 का, 6 सेकेंड में 30 का, 8 सेकेंड में 40 का। तो देखिए जो टाइम जो इंटरवल है, कितना सेकेंड का इंटरवल लिया हम लोग, 2 सेकेंड का इंटरवल है कि नहीं, यहां भी 2 सेकेंड का इंटरवल है, यानी गैप कितना का, 2 सेकेंड का है। और स्पीड मेरा चेंजेस कितना हो रहा है, यहां से यहां 10 का इंक्रीज हुआ, यहां पे यहां कितना इंक्रीज हुआ 10 का, यहां भी यहां कितना से इंक्रीज हुआ 10 का, यानी कि यहां पे इंटरवल जो है मेरा वो मेरा इक्वल हो रहा है ना, यानी कि बोल सकते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि 2 सेकेंड का इंटरवल ले रहे हैं तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हुआ। और जो मेरा स्पीड चेंज हो रहा है, यहां से यहां 10 हुआ, यहां से यहां 10 का चेंज हुआ, यहां से यहां 10 का चेंज हुआ, यानी कि स्पीड जो मेरा चेंज हो रहा है वो भी मेरा इक्वल हो रहा है। तो ये लाइन समझ में आया, इक्वल स्पीड चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि स्पीड मेरा इक्वल चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक 2 सेकंड मेरा स्पीड कितना का इंक्रीज हो रहा है, 10-10 मीटर पर सेकंड का। यहां से 2 सेकंड बढ़े तो स्पीड में 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुआ, यहां से 2 सेकंड बढ़े तो यहां से स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुआ, यहां से 2 सेकंड बढ़े तो यहां से 10 मीटर का स्पीड इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये जो पूरा जो मेरा सीन है ये मेरा क्या हो गया, बॉडी स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। अब समझना है यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या होता है, इक्वल स्पीड चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म रेट का मतलब समझ गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग कर देते हैं। अब देखिए इसका देखिए ग्राफ कैसे बनता है, ये मेरा हो गया स्पीड का ग्राफ, ये हो गया मेरा टाइम का लाइन। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो पूछता है ना स्पीड टाइम ग्राफ से ही पूछता है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उससे मेरा ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछता है तो स्पीड टाइम ग्राफ से ही पूछता है। ठीक है, लास्ट में एक न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे जिससे आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मेरा हो गया टाइम का, ये मेरा हो गया स्पीड का। अब देखिए जब भी मेरा बॉडी यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज होगा तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, पूरा स्ट्रेट लाइन, जिस तरीके से हम लोग फर्स्ट वाला ग्राफ देखे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मेरे को क्या दिया था, यूनिफॉर्म स्पीड दिया था, स्पीड टाइम ग्राफ में मेरे को क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये मेरा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। समझ आया, ये जो मेरा कर्व लाइन है ये मेरे को क्या देगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देगा। ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ का, कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज होगा।
समझ में आ गया। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, स्पीड मेरा इंक्रीज कर रहा है, अब स्पीड चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो हम लोग एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए एक्सप्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्पीड या फिर वेलोसिटी बोलिए, ठीक है, बाय टाइम टेक टू चेंज या फिर टाइम टेक। तो सिंपल भाषा में, नॉर्मल भाषा में बताया कि एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं ग्राफ को देखें। सपोज कीजिए देखिए पूरा पॉइंट मतलब एक्सप्रेशन तरह इक्वल है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे ज्यादा ध्यान समझिएगा। इस पॉइंट से हमको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। सपोज कीजिए ये मेरा आ गया ए पॉइंट, इसको नाम देते हैं ओ, इसके नाम देते हैं डी, ठीक है। एडी मेरा क्या हो गया, स्पीड हो गया, यानी कि एडी मेरा क्या हो गया, यहां से यहां तक का स्पीड हो गया। सपोज कीजिए भी मेरा डी नाम देते हैं, तो ओ भी मेरा क्या हो गया, स्पीड हो गया। इनिशियली स्पीड कितना था इसका, ओ था, अब बाद में कितना हो गया इसका, बी तक हो गया, यानी कि चेंज इन स्पीड क्या हुआ, ओ भी हो गया मेरा। बात समझ आ रही है, यहां पे जीरो था, सपोज कि यहां पे जीरो है और यहां पे मेरा 40 है, तो स्पीड मेरा कितना हो गया, चेंज इन स्पीड 40 माइनस जीरो करेंगे कितना आ जाएगा 40। हम लोग बोल सकते हैं ओ भी मेरा स्पीड हो गया, जितना ओ भी होता है ना मेरा 40 हो गया, तो स्पीड मेरा कितना हो गया, ओ भी के इक्वल, या फिर बोल सकते हैं एडी के इक्वल। तो यानी कि स्पीड मेरा कितना हो गया, सॉरी चेंज इन स्पीड कितना हो गया, ए डी के इक्वल। ये समझ आया, ये जो मेरा ए डी है जो मेरा क्या हो गया, चेंज इन स्पीड, यानी कि इनिशियली मेरा ये था फाइनल मेरा ये था, तो बी माइनस ए करेंगे तो मेरा इसी के इक्वल आएगा, तो ए डी को हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन स्पीड, और टाइम कितना लिया मेरा ओ ए के इक्वल, ठीक है। तो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, ए डी बाई ओ ए, सिंपल है। जिस भी पॉइंट का हमको एक्सप्रेशन निकालना है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये जो मेरा होगा वो मेरा स्पीड हो जाएगा, तो चेंज इन स्पीड मेरा होता ही होगा, क्योंकि मेरा बॉडी मेरा कहां से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ है, जब टाइम मेरा जीरो था तब भी स्पीड बॉडी का स्पीड जीरो था, यानी कि इनिशियल स्पीड मेरा जीरो था, समझिएगा। इस केस में क्या किया, इनिशियल स्पीड मेरा जीरो है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, ए डी बाई ओ ए करके, ठीक है। और अगर आपको ग्राफ के बारे में नॉलेज होगा तो ए डी बाई ओ ए जो मेरा है ये मेरा क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन, इसका नाम देते हैं ओडी। ये जो ओडी का स्लोप क्या होगा, एडी बाई ओए, हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन गिव्स एक्सीलरेशन, या तो कोई दिक्कत, जिस तरह से हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड निकालना देखे थे, सेम चीज वही है यहाँ पर, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सप्रेशन दिख रहा है, वहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड निकाल रहे हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ मेरा सेम है, प्रोसेस मेरा सेम है। अब देखिए स्पीड मेरा इंक्रीज कर रहा है तो मेरा क्या हो गया, एक्सीलरेशन, ये पूरा ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर स्पीड मेरा डिक्रीज करेगा, समझिएगा, स्पीड अगर मेरा डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि हम लोग पहले जान चुके हैं एक्सीलरेशन क्या होता है, इंक्रीज इन वेलोसिटी, और रिटार्डेशन मेरा क्या होता है, डिक्रीज इन वेलोसिटी। तो स्पीड मेरा कम होगा तो स्पीड मेरा डिक्रीज होते जाएगा, तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, ये मेरा हो गया स्पीड का, ये हो गया मेरा टाइम का, तो ग्राफ सब कुछ सेम होता है, बस डाउनवर्ड में आ जाता है। ये मेरा किसका हो जाएगा, रिटार्डेशन का, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का, ठीक है। और ये मेरा किसका है, एक्सीलरेशन का, तो ऊपर जाएगा तो एक्सीलरेशन, नीचे आएगा तो रिटार्डेशन, समझिएगा। ये मेरा स्पीड टाइम ग्राफ है, ऊपर गया तो एक्सीलरेशन, वही चीज अगर मैं नीचे आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन, या फिर इसको अलग से बना लेते हैं, कहां पर, यहां पर, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। ये मेरा एक्सीलरेशन का हो गया, ये मेरा रिटार्डेशन का हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, कैसे निकालते हैं वही बता दिए हैं, और स्लोप मेरा क्या बताता है, एक्सीलरेशन का दिखाता है, ठीक है। अब समझिएगा, हम लोग एक्सीलरेशन तो निकाल लिए, ठीक है, इसमें एक्सीलरेशन निकला, लेकिन यहां पे हम लोग डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्टेंस भी निकल सकता है। अब देखिए डिस्टेंस कितना होगा, बात आता है कि डिस्टेंस कितना होगा, हम लोग क्या देखे हैं पिछले वर्ग में, क्या देखे थे कि द एरिया इनक्लोज बाय स्पीड टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी। तो ये मेरा हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना, यही रहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये मेरा स्ट्रेट जा रहा है। और सपोज कीजिए हमको ए टाइम तक का स्पीड डिस्टेंस निकालना है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्या बन गया, मेरा रेक्टेंगल बन गया ओ डी ए करके, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी ए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरा ओ हो गया, हाइट मेरा एडी हो गया। इतना आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरा ओ हो गया, ये ट्रायंगल को देखिए, अब मेरा ट्रायंगल बन गया। वहां पर रेक्टेंगल बना था तो रेक्टेंगल का फॉर्मुला मेरा आया था, यहाँ पे ट्रायंगल बना है तो ट्रायंगल का फॉर्मुला आया है। क्या जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है ओ मल्टीप्लाई हाइट कितना है एडी, एडी हो गया। अगर दूसरे तरीके से भी निकालना है तो देखिए डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, सपोज कीजिए इस पॉइंट पे आपको स्पीड निकालना है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मैं जितना होगा उतना ही मेरा स्पीड होगा। हम लोग लिख देते हैं यहां पर एडी लिख देंगे क्योंकि एडी मेरा स्पीड हो गया। ठीक है, जितना ये होता है ना मेरा स्पीड होगा। अब टाइम मेरा कितना होगा ओए। अब देखिए एडी मल्टीप्लाई बाय ओए करेंगे तो ये मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। लेकिन हमको एरिया कहां तक का निकालना है, बस इसका निकालना है, इसका हम लोग हाफ कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ इंटू एडी मल्टीप्लाई बाई ओए। समझ में आया, ये किसका किसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओडीए का। तो सिंपल समझिएगा, जब भी डिस्टेंस और स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकालना है तो जो मेरा कर्व लाइन है और जिस टाइम तक का निकालना है वहां जो मेरा एरिया इंक्लोज होता है वो एरिया हमको, ये जो मेरा एरिया बन रहा है ये मेरा डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए अभी जब हम लोग ग्राफ देखे थे उसमें क्या हुआ था कि बॉडी का इनिशियल स्पीड मेरा जीरो था। अभी ग्राफ हम लोग देखे थे ऐसा था, जब यहां पे टाइम का जो था, जब टाइम मेरा जीरो था तो स्पीड मेरा जीरो था, यानी कि इनिशियल स्पीड मेरा कितना था, जीरो था, है ना। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इनिशियल स्पीड अगर जीरो नहीं रहे कुछ रहता है, इनिशियल स्पीड मेरा ए है, ठीक है, तब उसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए बॉडी मेरा चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट के साथ, उसका स्पीड चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट के साथ, लेकिन इनिशियल स्पीड जीरो ना होगा कुछ और होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो टॉपिक मेरा क्या दिया हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो, यानी कि जब बॉडी का इनिशियल स्पीड जीरो नहीं होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको ध्यान देखिएगा। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल, बस थोड़ा सा ध्यान देना आपको, ये मेरा हो गया टाइम का, ये मेरा हो गया स्पीड का, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। अब देखिए सपोज ये जब मेरा टाइम जीरो था तो उसका स्पीड मान लेते हैं 10 का, ठीक है, उसके बाद मेरा यूनिफॉर्म रेट सब चेंज हो रहा है, 2 हो गया तो मेरा हो गया 15 का, 4 हो गया तो मेरा हो गया 20 का, 6 हो गया तो मेरा हो गया 25 का, यानी कि अब यहां से मेरा यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन इनिशियली स्पीड कितना था 10 का। तो जब टाइम मेरा जीरो था तो स्पीड सपोज यहां मेरा 10 है तो स्पीड मेरा कितना है 10 का, ठीक है, फिर यहां से यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज होने लगा, तो यहां से फिर यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज होने लगा, लेकिन ये भी मेरा क्या हो गया, इसको ज्यादा ध्यान दीजिए, ये भी मेरा हो गया। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, थोड़ा सा ऊपर जाएगा ऐसे जाएगा, इसको बाहर बताएंगे तो कैसे ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ऐसे जाएगा, ये होता है मेरा ग्राफ लाइन। ठीक है, तो ऊपर गया फिर यहां से यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हुआ है। अब देखिएगा ये जो मेरा कर्व लाइन है ये मेरा क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, और ये जो मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इसको हम यू बोल सकते हैं, क्या है इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग मेरा यहां से हुआ था। ठीक है, जब हम नोटिस करना स्टार्ट किया तब गाड़ी का जो स्पीड था वो मेरा 10 का था, तो इनिशियल स्पीड मेरा ये हो गया। तो इस केस में एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल एक्सप्रेशन सिंपल निकलेगा, यहां से हम लोग ऐसे ड्रॉ करना परपेंडिकुलर, यहां से इसको ड्रॉ कर देना, ये और जो स्पीड होगा इसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो मेरा स्पीड होगा, जो मेरा इनिशियल स्पीड है उसको माइनस कर देना है, उसके बाद यहां से लेके यहां तक का स्पीड कितना चेंज हुआ, यानी कि यहां से कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहां से लेके यहां तक का स्पीड कितना चेंजेस हुआ है। ठीक है, और टाइम जो हमको पता है, टाइम तो इतना ही होगा, उस दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो मेरा एक्सप्रेशन निकल जाएगा। तो सपोज करिए मेरा पॉइंट यू है, इसको नाम देते हैं ए और टाइम को नाम यहां पर देते हैं बी, तो एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा मेरा, सबसे पहले क्या करेंगे, ओ ए में से ओ यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या करना है, ओ यू को माइनस कर देना है, तो बचा मेरा कितना, यू से लेके ए तक का, तो मेरा क्या हो जाएगा, यू ए बाई टाइम कितना है, ओ बी हो गया। बात समझ आया, सपोज कीजिए मेरा यहाँ पे जीरो का है, यहाँ पे मेरा फाइव का, यहाँ पे 15 का है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और टाइम मेरा सपोज यहाँ पे 10 सेकंड है, तो एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा मेरा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक का स्पीड कितना है 15 का, लेकिन यूनिफॉर्म रेट कहां से पकड़ना स्टार्ट किया, यहां से, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 15 माइनस 5 करेंगे, कितना बचा 10। ठीक है,
यहां से मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चेंज हुआ तो इसको पहले माइनस कर देना, तो 5 माइनस करके यहां तक मेरा 5 मीटर पर सेकंड था, माइनस करके बचा 10 और टाइम कितना लिया 10, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10/10 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से निकालना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगा उसको माइनस कर देना, उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन कुछ जो हम लोग जो प्रोसेस था वही प्रोसेस से निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे मेन जो आता है इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बात आता है कि डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है आपको। क्या है मेरा कॉन्सेप्ट कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो भी मेरा कर्व लाइन बनेगा और जो टाइम एक्सिस हम लोग लिए है उसके बीच में जो एरिया इंक्लोज हो रहा है यानी कि जो एरिया बन रहा है वो एरिया मेरा डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल होगा। तो मेरा ग्राफ लाइन कैसे बन रहा है, ऊपर गया फिर ऐसे गया फिर नीचे आया, ठीक है। ये मेरा टाइम एक्सिस हो गया, सपोज कि हमको बी टाइम तक हमको डिस्टेंस निकालना है, तो जरा ध्यान से देखिएगा तो ये मेरा फिगर कैसे बन रहा है, ऐसे है ऐसे है ऐसे है फिर ऐसे है, तो ये मेरा क्या हो गया ट्रेपीजियम है, इसका हो गया ट्रेपीजियम है। और इसका जितना भी एरिया होगा वो मेरा एरिया किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल होगा। तो नामकरण कर देते हैं, ओ है ये यू है ये बी है, इसका नाम देते हैं हम लोग सी, ठीक है। तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो ये दोनों मेरा क्या हो गया पैरेलल साइड हो गया, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ओयू और बीसी मेरा क्या हो गया पैरेलल हो गया। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सब ऐसे लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो पैरेलल साइड में कौन कौन सा है, ओयू और बीसी है, तो क्या करेंगे ओयू प्लस बीसी मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, हाइट मेरा कितना है, ये मेरा हाइट हो गया ओबी, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय ओबी फिर डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, तो ओयू प्लस बीसी मल्टीप्लाई बाय ओबी डिवाइडेड बाय टाइम, सिंपल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो ये मेरा हो गया पैरेलल साइड और ये मेरा हो गया हाइट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सिंपल सी बात है स्पीड टाइम ग्राफ में जो भी मेरा एरिया इनक्लोज होगा टाइम एक्सिस और कर्व के बीच में वो एरिया हमेशा डिस्टेंस को बताता है, ठीक है। अब देखिए जो मेरा लास्ट टाइप का ग्राफ है वो है कि जब स्पीड मेरा नॉन यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। देखिए ये हो गया मेरा टाइम का, ये हो गया मेरा स्पीड का, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है बहुत इजी है, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, कुछ कर्व बनेगा, ठीक है। तो कर्व मेरा क्या शो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। ये जो मेरा कर्व लाइन है क्या दिखा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये था मेरा कि जब बॉडी का स्पीड मेरा नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारा ग्राफ देख लिया, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम लोग बस एक मिनट में क्या करते हैं पूरा ग्राफ के ऊपर रिकैप करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, देखिए पहला डिस्टेंस टाइम का ग्राफ और दूसरा मेरा स्पीड टाइम का ग्राफ, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो तरीके ग्राफ पढ़े थे, पहला अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड साथ मूव करेगा, ये t हो गया ये मेरा d हो गया, d मेरा डिस्टेंस है टाइम मेरा t है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा तो ऐसे होगा, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा t हो गया ये मेरा d हो गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी स्ट्रेट लाइन हमको दिखेगा वो मेरा क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो कर्व लाइन हो गया तो मेरा क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बस हम दो ही तरह का ग्राफ देखेंगे। अब आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसी से, अगर स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हो गया, ये मेरा स्पीड का हो गया मेरा टाइम का हो गया, स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हो गया तो ये मेरा क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। ये सब मेरा पहला, दूसरा मेरा क्या है, अगर ग्राफ मेरा पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहा, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल रहा, इसका मतलब क्या हो गया ये मेरा कांस्टेंट स्पीड है,
हम लोग अभी देखे थे। देखिए स्ट्रेट लाइन यहाँ ही बन रहा है, स्ट्रेट लाइन यहाँ ही बन रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच जब भी स्ट्रेट लाइन बनेगा तो यूनिफॉर्म स्पीड होगा, स्पीड टाइम ग्राफ के बीच में जब भी स्ट्रेट लाइन बनेगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और स्पीड टाइम ग्राफ के बीच में अगर पैरेलल टू एक्सिस रहा तो ये मेरा कांस्टेंट स्पीड होगा। और तीसरा हम क्या देखे थे, जब बॉडी का स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा तो क्या होगा, कर्व बनता है। और इसमें एक और केस था, क्या था, जब मेरा इनिशियल स्पीड मेरा जीरो नहीं होगा। दूसरा ग्राफ कैसे बनता है यहाँ पर आ देते हैं, इनिशियली मेरा कुछ होगा फिर इसको ऐसे बनेगा, है ना, ये मेरा यू हो गया, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये पूरा पहले ऊपर जाएगा फिर ऐसे जाएगा, ये मेरा क्या हो गया, जब इनिशियल स्पीड मेरा जीरो हो जाए, जीरो नहीं होगा था, ठीक है। तो ये था मेरा कितना ग्राफ, 1 2 3 4 5 6। तो ओवरऑल आपका सिलेबस में 6 ग्राफ था जो कि हम आपको अच्छे ढंग से पढ़ा दिए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया क्योंकि हर एक चीज हम आपको डिटेल में बताएं, कोई चीज स्किप नहीं किए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और जो इससे क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि अभी अगर क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो और भी लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।